फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सिंह टेक ट्यूबर में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल सिंह टेक ट्यूबर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सिंह टेक ट्यूबर को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल सिंह टेक ट्यूबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ और जल्द से जल्द मेरे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन सबको मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं फ्रेंड्स बात करने जा रहा हूँ मूवीज़ की। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई थी कईयों की कि हमें मूवीज़ डाउनलोड करनी होती है, हमें साइट नहीं मिलती, और साइट मिल भी जाती है तो मोस्टली वहाँ से मूवीज़ नहीं डाउनलोड होती, कोई थर्ड पार्टी ही कोई और साइट खुल जाती है और वो लिंक इधर से दूसरी एप्लीकेशन की तरफ ले जाता है। तो इस सब का सॉल्यूशन लेकर मैं आज एक एप्लीकेशन के साथ आया हूँ और उस एप्लीकेशन का नाम है मूवीज़ टाइम। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आप वहाँ से मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो मूवी आपकी नेटफ्लिक्स पर हो, चाहे वो बॉलीवुड मूवी हो, चाहे वो हॉलीवुड मूवी हो, या फिर वो रिसेंटली लॉन्च्ड मूवी हो, वो आराम से उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और वहाँ से आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी उस एप्लीकेशन को यूज़ करने में और वहाँ से मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो एप्लीकेशन जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगी, ये ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ये वाली एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन पर दूंगा, वहाँ से आप क्लिक कर इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे और इसका इस्तेमाल कर आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकेंगे, चाहे वो नेटफ्लिक्स की हो, चाहे वो हॉटस्टार की हो, चाहे वो अमेज़न प्राइम वीडियो की हो, चाहे वो हॉलीवुड मूवी हो, चाहे वो बॉलीवुड मूवी हो, आपको आसानी से इस एप्लीकेशन पर मिल जाती है। यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च मूवीज़ भी इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ इसका इंटरफेस आपको दिखेगा। ये देखिए ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और यहाँ पर ये नीचे आप देख सकते हैं ये रिसेंटली इनकी एडेड मूवीज़ हैं। यहाँ पर जो नीचे मूवीज़ आएंगी, यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने जो ऐड करी है वो मूवीज़ आएंगी। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये कैटेगरी है इनकी, यहाँ पर आप अपनी हॉलीवुड मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, बॉलीवुड मूवीज़, आपकी वेब सीरीज़, यहाँ तक कि आपका लाइव टीवी भी इसमें चलता है। मोस्टली नेट की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती क्योंकि हमारे पास 1 GB के अराउंड नेट मिलता है, तो उसमें कोई भी मूवीज़ आप ऑनलाइन देखने जाएंगे तो उसमें नेट बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि कंटिन्यूसली नेट के थ्रू मूवी आती है। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर आप मूवीज़ आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे और वो मूवी आप ऑफलाइन देख सकेंगे। तो चलिए मैं इसमें आपको कैटेगरी दिखाता हूँ। सपोज़ मान लीजिए मैंने यहाँ पर हॉलीवुड मूवीज़ पर टैप किया, ये देखिए स्क्रीन लोड हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हॉलीवुड मूवीज़ की यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं, ये खुल गई है। इसमें मिक्स्ड आपको मूवीज़ मिलेंगी, कुछ मूवीज़ रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, कुछ पुरानी मूवीज़ भी हैं, कुछ मोस्ट रेटेड मूवीज़ हैं यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन पर दिखेंगी। इसका डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको यहाँ से मूवीज़ कैसे डाउनलोड करनी है। ये देख सकते हैं आप, आर्टेमिस फाउल मूवी है 2020 अभी लॉन्च हुई है, ये आपकी सारी हॉलीवुड मूवीज़ हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप कितने यहाँ पर लिस्ट है, यहाँ पर आपको जो भी मूवी यहाँ पर अच्छी लगे आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बैक करके आपको दूसरी कैटेगरी दिखाता हूँ। ये देखिए बॉलीवुड की कैटेगरी में मैं गया और ये आप देख सकते हैं बॉलीवुड की कैटेगरी में ये बुलबुल पिक्चर है, कड़क है, चमन बहार है, ये सारी रिसेंटली एडेड इसमें मूवीज़ हैं, कुछ मूवीज़ इसमें पुरानी भी हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी मूवी सेलेक्ट कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में एक ख़ास बात और है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर की विंडो जहाँ पर सर्च लिखा हुआ है, इस पर आप जाएंगे। यहाँ पर मैंने सर्च पे क्लिक किया और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, साइंस फिक्शन, एक्शन, कॉमेडी, फैमिली मूवी, पंजाबी मूवीज़, हिंदी डब्ड मूवीज़, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स की मूवीज़।
जो नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ अपडेट होती हैं, अपलोड होती हैं, वो यहाँ पर भी होती हैं, और इसके थ्रू आप आसानी से मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। थ्रिलर मूवीज़, एडवेंचर मूवीज़, हॉरर मूवीज़, क्राइम मूवीज़, एनिमेशन, मिस्ट्री, ड्रामा, रोमांस, यहाँ पर सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ सर आप आसानी से कोई भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और उस कैटेगरी की मूवी आपके सामने आ जाएंगी। और ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ टाइटल, ईयर, जनरल साइंस फिक्शन है, यहाँ पर आप मूवी का नेम भी लिख सकते हैं। अगर वो मूवी इस पर अवेलेबल होगी तो वो तुरंत आपके सामने आ जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको नेटफ्लिक्स का भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं वो यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के कैटेगरी हैं नेटफ्लिक्स पर, ये आप देख सकते हैं सारा, ये नेटफ्लिक्स की इनकी कैटेगरी है। जो मूवीज़ इसमें HD में अवेलेबल होंगी, जो शोज़ इसमें HD में अवेलेबल होंगे, उनके आगे HD लिखा होगा, उनकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। इस एप्लीकेशन में फ्रेंड्स आप मूवीज़ ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन आराम से आपको दिखेगी। आप सपोज़ मान लीजिए मैंने एक मूवी सेलेक्ट करी, यहाँ पर ये बुलबुल मैंने मूवी सेलेक्ट करी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर एक यूट्यूब का आइकन बना हुआ है मूवी के ऊपर, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लोडिंग की स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर मेरी ये मूवीज़ भी यहाँ पर प्ले हो गई है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइव चल रहा है। ये मैं आपको थोड़ा स्किप करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई फेक बात नहीं है, ये लाइव मूवी आपकी ऑनलाइन चल रही है, बुलबुल पिक्चर। फ्रेंड्स इसमें हम मूवी डाउनलोड कैसे करेंगे तो उसका प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ मान लीजिए मैं ये अपने होम पेज पर आ गया एप्लीकेशन के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ मूवीज़ आपको दिख रही हैं, ये इनकी रिसेंटली एडिड हैं। सपोज़ मान लीजिए मैंने इनकी थर्ड नंबर वाली मूवी कड़क, जिसका नाम है, इसको डाउनलोड करना है, तो मैं इस मूवी को सेलेक्ट करूँगा, थर्ड नंबर वाली मूवी को। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको टैप किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये डाउनलोड का एरो है ब्लू शेड में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना कर्सर भी रखा हुआ है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं, या तो आप अपने फ़ोन के डाउनलोडर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस एप्लीकेशन की एक एप्लीकेशन आपको और डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है डाउनलोडर मूवीज़ टाइम। इस पर आप जाइए, ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। ये मैंने इसलिए डाउनलोड इसमें करके रखा है क्योंकि ये सेकेंड वाले ऑप्शन के ज़रिए मूवीज़ थोड़ी स्पीडली डाउनलोड हो जाएगी। ऊपर वाला फ़ोन का डाउनलोडर ये है आपका, जो आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट डाउनलोडर होगा वहाँ से मूवी डाउनलोड होगी। तो मैं आपको ये सेकंड वाले डाउनलोडर को रिकमेंड करूँगा कि आप ये सेकंड वाला डाउनलोडर प्ले स्टोर से, अगर तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन को तो मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका ये जो डाउनलोडर मूवीज़ टाइम है ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो वो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे डाउनलोडर मूवीज के ऑप्शन को, तो वो आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट करेगा, जिसके थ्रू जहाँ पर आप जाके उस डाउनलोडर मूवीज़ टाइम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मूवी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे सपोज़ मान लीजिए मैंने ये मूवी सेलेक्ट कर रखी है और मुझे ये सेकेंड ऑप्शन के थ्रू डाउनलोड करनी है, तो जैसे ही मैं इसमें डाउनलोडर मूवीज़ टाइम सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के दिखेगा। ये देख सकते हैं आप, पिक्चर का नाम है कड़क 2020 हिंदी फुल मूवी। यहाँ पर आप स्टोरेज लोकेशन, ये आपका लोकेशन है स्टोरेज लोकेशन, अगर आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है और अगर आप फ़ोन में अपना SD कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं इस फोल्डर पर जाकर। जैसे ही आप इस फोल्डर पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा आपके फ़ोन की लोकेशन, ये इस समय इंटरनल स्टोरेज हो रखी है, ये आप देख सकते हैं स्टोरेज एम्यूलेटेड 0 डाउनलोड, यानी ये मेरा इंटरनल स्टोरेज है, इसको मुझे अगर चेंज करना है तो मैं आसानी से इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ये देख सकते हैं आप ऊपर सिस्टम मैनेजर लिखा है, तो आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होके दिखेगा, तो आपको यहाँ पर
ये जो थ्री डॉट्स हैं इस पर जाना है और यहाँ पर अपना एसडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना एसडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नीचे दिख रहा है एलो एसएस टू एसडी कार्ड, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे, ये परमिशन मांगेगा, उसको आपको अलाउ करना है। जैसे ही आपने अलाउ कर लिया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरे एसडी कार्ड का यहाँ पर फोल्डर का नाम चेंज हो चुका है, 8620/1BF3 ये है। इसको फ्रेंड्स मैं एसडी कार्ड में आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, आप इसको फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस मूवी को फ़ोन में डाउनलोड करना है तो आप ये अपना ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। और ये सब होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा लास्ट में ऐड का सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ऐड, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरी मूवी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी मूवी यहाँ पर डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये लाइव प्रूफ है, ये मैंने लाइव आपको डाउनलोड मूवी करके दिखाई है। तो ये ऐप फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ऐप है, ये फ्री ऐप है, इस पर आप मूवीज़ डाउनलोड भी कर सकते हैं, मूवीज़ को ऑनलाइन आप देख भी सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आने वाले टाइम में लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।